हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वेलकम बैक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. सो आज है वेंसडे, यानी 30th मार्च. तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, और अभी अभी हम उठे हैं. मुझे रोटी बनानी है, सब्जी मैं रात को बना के सो गई थी. तो मेरा गला थोड़ा सोने के बाद ना ऐसे ही आवाज़ मेरी चेंज हो जाती है थोड़ी सी. सो एक्सक्यूज़ माई वॉइस. तो उठने के बाद मैंने फटाफट से खाना वगैरह पैक किया और हम तैयार व्यार हो गए और निकल पड़े. 7 बजे के करीब हम लोग घर से निकल चुके थे. अम्बाला से हरिद्वार जो है 3 घंटे का ही सफ़र है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है. तो हम 9:45 के करीब जो है वहाँ पहुँच गए थे. तो ये है जो एंट्री गेट है हरिद्वार का, हर की पौड़ी, जो डायरेक्ट आजकल हाईवे की वजह से जो है बहुत इजी हो गया रास्ता हरिद्वार का. और ये हर की पौड़ी के बाद जो है ऐसे आपको पुल जो है बने हुए मिलेंगे आपको गंगा के ऊपर से, आप क्रॉस करके जो है हर की पौड़ी पर पहुंच जाते हो. हरिद्वार मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है धार्मिक स्थानों में से, क्योंकि हम जब मैं 9th या 10th में थी हम तब से जा रहे हैं वहाँ पे, और मुझे बहुत पसंद है हरिद्वार. बहुत मज़ा आता है मुझे जाने में. मैं हर महीने हरिद्वार का ट्रिप कर सकती हूँ. ये मंदिर जो है हर की पौड़ी पर ही बने हुए हैं. नहाने के बाद जो है लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं. ये है मेन चौक हरिद्वार का, जो कि आपको हर की पौड़ी से बाहर आके देखने को मिलेगा. और इसके सामने ही बिल्कुल जहाँ पे ये मोहनपुरी वाले आपको दिख रहे हैं, वहाँ से हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं. पूरी यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स हैं बहुत सारी, अंदर जाके पूरी मार्केट में भी बहुत सारी खाने की शॉप्स हैं, सिर्फ बाहर ही नहीं है. और पूरा ऐसे बाज़ार सजा हुआ है, आप कुछ मर्ज़ी यहाँ से ले सकते हैं. बर्तन ले सकते हैं, घर की सजावट का सामान ले सकते हैं, सिंदूर वगैरह, इयररिंग्स, कपड़े भी लगे हुए हैं यहाँ पे. जो चीज़ों का रेट है वो बाहर बाज़ारों से यहाँ का दाम थोड़ा ज़्यादा होता है. तो ऐसे ही जगह पे ख़रीदना, मतलब रेट तो आपको ज़्यादा ही मिलते हैं अगर आपको कोई चीज़ लेनी होती है. तो हम लोग सबसे पहले खाने के लिए गए यहाँ जैन चाट भंडार में. वहाँ पे हमने चाट पापड़ी खाई और ये खाया, इसका नाम मुझे पता नहीं है, मैं आपको
स्क्रीन पे दे दूँगी। तो मुझे इसका टेस्ट थोड़ा अटपटा सा लगा, जो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, पता नहीं मुझे नहीं समझ में आया क्यों। और ये है चाट पापड़ी भल्ले के साथ। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, चाट पापड़ी भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगी, ऐसी मुझे जो हमारे अंबाले में है वैसी सेम टेस्ट की ही लगी। उसके बाद हम यहाँ पे मथुरा वालों के गए, जिनकी मिठाई की दुकान है सामने, और उसके सामने ही पूरी जो है आलू पूरी की इनकी शॉप है, वहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो।